चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे एक्शन में। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी पंजाब से जुड़ी। आपको बता दें कि एक्शन में है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपने वादों को पूरा करने के लिए एक्शन में है सीएम अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को दिए हैं उन्होंने आदेश, 4 साल में सरकार के कामों का लेखा जोखा तैयार करा रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह। 4 साल में कौन से वायदे पूरे हुए, कौन से रह गए, इसकी रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और सरकार का 4 साल का जो कार्यकाल रहा और जो लेखा जोखा रहा उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। कौन से वादे पूरे हुए और कौन से रह गए, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। तो एक्शन में है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपने वादों को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि 4 साल में सरकार के कामों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाए। कौन से वादे हैं जो पूरे हुए और कौन से हैं जो रह गए, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में क्या काम किए गए और कितने रह गए, इस पर रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। यह बड़ी और अहम जानकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई है इस पत्र में। सीएम बोले, कोरोना के मामलों में आए कमी के बाद खुलना चाहिए करतारपुर कॉरिडोर। सरकार श्रद्धालुओं को लेकर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करेगी। सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खुलना चाहिए करतारपुर कॉरिडोर। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोलना चाहिए क्योंकि अब कोरोना के मामले कम हो चुके हैं। ऐसे में सरकार तमाम जो गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल है, उनका पालन कराते हुए सुरक्षा बरतेगी। पिछले साल मार्च 2020 में बंद हुआ था करतारपुर कॉरिडोर, कोरोना महामारी के चलते इसको बंद किया गया था। ओपी शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, क्या क्या बातें, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस पत्र के रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, पंजाब में जो धार्मिक राजनीति वो हमेशा ही जो है ऊपर रही है, तो ऐसे में जो करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी साल जिस गुरुद्वारे में बिताए थे, तो उसको लेकर जो है एक कॉरिडोर 2019 में वो बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले मार्च से वो बंद है। तो ऐसे में पंजाब में जो है श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं कोरोना के चलते शायद इसको खोलना नहीं चाह रही है। तो ऐसे में अब पंजाब में जो है अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी, कहीं ना कहीं सरकार ये जरूर चाहेगी कि उसको माइलेज मिले, और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो करतारपुर कॉरिडोर है वो खोल सके, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर हमेशा से ही पंजाब में सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर के ऊपर ही ये गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु नानक साहब ने जो है अपने आखिरी दिन गुजारे थे। तो अक्सर जो लोग थे BSF की तरफ से यहाँ पे एक दूरबीन लगाई थी और मचान पर चढ़कर जो है वो दूरबीन से देखते। तो ऐसे में इसके बाद जब पाकिस्तान में जो है
जो नई सरकार बनी तो उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके प्रयासों की वजह से कहीं ना कहीं ये करतारपुर कॉरिडोर जो है शुरू हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर जैसे कोरोना के मामले पंजाब में कम होते जा रहे हैं, करीबन 100 से नीचे मामले आ रहे हैं और परसों कोई मौत भी जो है कोरोना पीड़ित से नहीं होती, तो इसके चलते हुए जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। जी, का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या आता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।